स्मार्ट चैनल रिपैट में संगीत वजा जो आप सभी के लिए एक और रिएक्शन लेकर के, तो यस वी आर बैक विद द ब्रदर्स न्यू सॉन्ग। तो पिछले गाने हम जो कवर किए थे तो फाइनली इतने हिट मिलने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं उसी गाने को लेकर के। तो यस वी हैव जस्ट रिएक्टेड अर्लियर ऑन द सॉन्ग, जिसका नाम था सोल एंथम, ऐसा कुछ नाम था, सोल रैप सॉन्ग, न्यू सोल नया सोल का रैप सॉन्ग, तो विच वॉज बाय आवर ब्रदर एस्टर एक्स। तो वी हैड जस्ट रिएक्टेड ऑन द सॉन्ग एंड यू गाइस शोड अस लाइक ओके, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हल्का फुल्का लोगों को पसंद भी आएगा, हल्का फुल्का लोग हेट भी करेंगे, बट या दैट्स माई जॉब टू एक्सप्लेन यू द शिट, तो या दैट्स ऑल आई कैन डू। तो यस वी आर बैक इन विद अ ब्रांड न्यू ट्रैक। तो फाइनली एज अनाउंस की 10 तारीख को एक नया ट्रैक आएगा बाय ब्रदर एस्टर एक्स, तो विल बी चेकिंग इट आउट फॉर श्योर। तो इस गाने का नाम है BGMI कम्युनिटी, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का कम्युनिटी, विच वॉज फॉलोड अप बाय PUBG मोबाइल। तो यस बेसिकली इसमें शायद कम्युनिटी के बारे में बात किया जाएगा। तो यस गाने का नाम है एक परिवार, हिंदी रैप बाय ब्रदर एस्टर एक्स, प्रोड्यूस बाय विनो रोमाल्डो। तो ओके इस बार प्रोड्यूसर को शायद चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले बार इस नाम का शायद ही कोई बंदा था। जस्ट लेट मी चेक एंड कन्फर्म इट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि वी हैव टू चेक इट आउट। यस एज एक्सपेक्टेड हल्का सा बीट प्रोड्यूसर में चेंज है, ओके विल बी टेकिंग इट आउट फॉर श्योर। ऑल्सो वी शुड डेफिनेटली सी कि क्या सीन है, लाइक फुल एकदम देखने वाले हम लोग। तो यस लाइक इट एक मुझे स्टार्टिंग में जोनाथन दिख रहा है, जोनाथन आप सबको पता होगा BGMI कम्युनिटी का फॉलो करते हो। तो या लेट्स गेट इन टू सम वाइब्स एंड लेट्स चेक इट आउट कि एक्चुअली एस्टर एक्स कहना क्या चाहता है इस गाने के थ्रू। आई स्टिल डोंट नो कि हमारा वीडियो बफर क्यों कर रहा है, बट या गिव मी सम टाइम एंड आई विल जस्ट चेक इट आउट कि हमारा वीडियो बफर क्यों कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोवाइडर जियो, हु जस्ट समटाइम्स गिव 0.1 kbps स्पीड एंड दैट्स द मैक्स स्पीड एनी प्रोवाइडर कैन गिव यू इन द होल फ्रीकिंग वर्ल्ड। तो या क्रेडिट्स टू मुकेश अंबानी फॉर दैट। तो या ओके फाइनली अरसों बाद हमारा वीडियो चालू हो चुका है, इसलिए हमें डीले लगा बोलने में। तो यस लेट्स चेक इट आउट और क्या कहना चाहते हैं हमारे भाई एस्टर एक्स। ये वीडियो में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्रेट बोलते हैं ना शायद, कि लैंडस्केप ऐसे होता है, पोर्ट्रेट ऐसे होता है। ओके कैमरा एंड ऑल सब सही है एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 लेट्स गो। ब्रो हेलो, ये सुना हुआ है मेरा, ओके ऑल्सो हुई स्काउट था क्या वो, ओके लेट्स गेट इन टू सम वाइब्स एंड लेट्स कैच सम बार्स। ए लाइक वो फुल पुराने यादों को ताजा किया जाएगा, ओके ए कितनी प्यारी है अपनी BGMI कम्युनिटी, लेकिन आजकल कम क्यों है यूनिटी। ए दैट्स अ नाइस वर्ड प्ले, आई वुड से कम्युनिटी इज अ होल टीम एंड कम यूनिटी, लाइक यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, तो या दैट्स अ नाइस वर्ड प्ले, स्टार्टिंग अच्छा हुआ है आई वुड से, साउंडफुल है ना, ओके कितनी प्यारी है अपनी BGMI कम्युनिटी, लेकिन आजकल कम क्यों है यूनिटी। एक को प्यार और दूसरे को हेट, क्या दोस्ती के किस्से तुमने यहाँ सुने, नहीं होती इनसे गलती तो फिर गाली दे हजार, इनके मेंटल स्ट्रेस का फिर कौन जिम्मेदार, क्यों हेट देनी किसी को जब मुफ्त का है प्यार, से नहीं हक से बने ये सारे स्टार। नाइस दैट्स अ नाइस राइमिंग स्कीम्स मेंटेन, बार्स ऑन पॉइंट है, तो या दैट्स लाइक ये सही बात है कि अगर आप हेट लाइक प्यार इज फ्री एंड हेट भी फ्री है तो या बट हेट में वो फील नहीं आता, प्यार भी फ्री है तो व्हाई शुडंट यू गिव लव टू एवरी सिंगल गाय। वो लोग अपने मेहनत से स्टार बने हैं, दे हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड यार वो अपने मेहनत से आगे रखे, तो या यू शुड रिस्पेक्ट एवरी सिंगल। मैं तो वही बोलता हूँ यार, लव ऑल रिस्पेक्ट एवरी सिंगल ऑफ देम। मैं खुद बोलता हूँ यार, मैं खुद स्काउट को फॉलो करता हूँ, अंधा फैन हूँ ब्रो, अंधा फैन, हारे जीते डजंट इवन केयर मैन, आई एम अ स्काउट फैन, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ ब्रो, डजंट इवन केयर कि वो हारे जीते, जीरो किल में भी वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट करे ब्रो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आई हैव फॉलोड हिम, तो डजेंट मैटर ब्रो। बट ऐसा नहीं कि मैं सपोज कोई किसी बंदे को ले लो, सपोज अपना येलो को ले लो, नियो को ले लो, या फिर ज़िगॉर्ड जॉन, जिसको भी बोल लो ब्रो, आई डोंट इवन हेट, आई लाइक हाँ अच्छा खेलता है नो डाउट, बट ये नहीं कहता ब्रो ये है वो है, क्यों बोलना ब्रो, वो लोग अपने मेहनत से आए ब्रो, आज आगे है ना उससे, तो यार चिल मारा करो ना। सुने नहीं ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने बोला, बट निकल जाता है फ्लो फ्लो में, आगे बढ़ते इनसे गलती तो फिर गाली दे हजार।
इनके मेंटल स्ट्रेस का फिर कौन जिम्मेदार, क्यों हेट देनी किसी को जब मुफ्त का है प्यार। हाँ। से नहीं हक से बने ये सारे स्टार, तुम्हें पता भी नहीं है कितना किसके वो आए, न वो रोक के दिखाए न वो स्क्रीन पे जताए, इन मसलों के बीच भी वो चुप मुस्कुराए, ये सब जानकर भी कुछ लोग नफरत फैलाए, इन हेट वाले कामों से मिलेगा कोई फल नहीं, जो आज दिख रहे सामने फिर दिखेंगे वो कल नहीं, कुछ होंगे रिटायर कुछ करेंगे कम्पीट, पर दोबारा नहीं आएगा ये सुनहरा पल। भाई ये बीजेएमआई का आप लोग बोले कि आपने पहले से वीडियो देख रखा है ब्रो, इस बात के लिए एक लाइक बनता है ब्रो, वो आ जाता है मन में यार, चिल। ऑल्सो ब्रो ये सब कब का सीन है यार, कुछ करेंगे कम्पीट पर दोबारा नहीं आएगा ये सुनहरा पल। भाई ये बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, हाँ, सारे अपने भाई और सारे अपने यार, नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद करनी हेट और फैलाना बस प्यार, ये बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, सारे अपने भाई और सारे अपने यार, नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद करनी जिसमें सारे के सारे ब्लैक टोन यूज किए गए, ये मैं कुछ कुछ ब्लैक पॉइंट्स आपको बताता हूँ, सारे के सारे जो पीछे आप सुन रहे हो देर आर नॉट अ सिंगल व्हाइट टोन्स यूज, लिख के ले लो ब्रो, व्हाइट ट्यून्स एंड ब्लैक ट्यून्स होते हैं, सारे के सारे ब्लैक ट्यून्स हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल व्हाइट ट्यून्स यूज्ड ऑन द सॉन्ग, क्योंकि जितने भी आप ट्यून सुन रहे हो दे आर ऑल लो पिच सॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं हल्का सा पीछे करके 100% कंफर्म बता देता हूं, जस्ट अ सेकंड। अपने यार नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद करनी हेट और फैलाना बस है प्यार, जरा याद करो 2018 का सीन जब डायनेमो ने एक, हल्का सा पीछे करके एक बार और मैं पियानो सुनना चाहता हूं ताकि मैं कंफर्म आपको बता सकूं, जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद हाँ हाँ लिख के ले लो ब्रो, देयर आर नो व्हाइट टोन्स यूज्ड इन दिस, तो या आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी है एक परिवार, सारे अपने भाई और सारे अपने यार, नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद, राइमिंग इसके उसमें बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है, जरा याद करो 2018 का सीन जब डायनेमो ने इकलौती शुरू करी स्ट्रीम, बनी हाइड्रा टीम जो सबसे पुरानी, बट से हेडशॉट या किसी ने सुना नहीं या किसी को पता नहीं, यहाँ पे मॉडल का नाम, ई स्पोर्ट्स में तहलका मचा था सारे आम, तब किसी को ना थी जलन बस सबका था प्यार, आज भाई सब तुम्हारी हेट से परेशान, क्या भूल गए तुम स्काउट के वो काम, कॉम्बिनेशन में नाम मावी के नेट से कांपती रूह थी, ऐसे ही नहीं अपनी ओर वहाँ हैशटैग टू थी, जो यू कैन जस्ट सी तू ही नहीं है कर बोलते, ये तो बीटीआर टीम की भी खोपड़ी खोल के सारे ही है पोपी, और सबने किया प्रूफ तो फिर हम क्यों इन्हें एक दूसरे से तोलते, बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, सारे अपने भाई और सारे अपने यार, नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार, बंद करनी हेट और फैलाना बस प्यार, ये बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, सारे ही टैलेंटेड और सारे सुपरस्टार, कोई भी टीम लेकर आने वाली ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार, अंडरडॉग्स टीम्स ने संभाली है कमान, स्किल्स और ग्राइंड से हासिल करी पहचान, टीम लेकर आने वाली ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार, अंडरडॉग्स टीम्स ने संभाली है, यार यू शुड हैव टेकन अ ब्रेक, यू शुड हैव टेकन अ ब्रेक, ये जो ओके बट इट्स नाइस, मजा आ रहा, लाइक बहुत मोटिवेशन ट्रैक है यार, जो लोग भी अंडरडॉग टीम्स देख रहे होंगे ना, जो लोग भी अंडरडॉग लाइक आने के सोच रहे हैं उनके लिए बहुत प्यारा ट्रैक है, एंड ऑल्सो इट्स शोज की रेस्पेक्ट, आप दिखाते हो कि कम्युनिटी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो या मैन लविंग द ट्रैक ऑल्सो यार, बहुत इमोशनल ट्रैक है, जो लोग भी उस समय से फॉलो कर रहे हैं व्हेन देयर लेवल 100 and 200 के सब्सक्राइबर्स, ये लोग सब के थे, ये लोग सब तो सीन में नहीं थे जब मॉडल एंड ऑल थे, मॉडल स्काउट ये बहुत पहले से थे, तो यार बोल लो कि जब 100 and 200 के सब्सक्राइबर्स थे तब से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे सीन समझ में आ रहे होंगे मैन, तो या इट्स अ बिट ऑफ इमोशनल मैन, बहुत सही बहुत सही, लव द ट्रैक यहाँ पे आपको ब्रेक लेना चाहिए था हल्का सा, बट या दैट्स प्रीटी गुड, मजा आ रहा है यार सुनने में, मजा आ रहा है यार, लाइक ये वाला गाना ऐसा है ना लाइक मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट आई एम एक्चुअली इंजॉइंग इट, पियानो ऑन पॉइंट है, सिंक बहुत अच्छा किया गाने पे, जो आवाज आ रहा है वो पियानो के साथ बहुत अच्छा सिंक है, लेबलिंग उसे अच्छे मेंटेन करके रखा है, डिलीवरी ऑन पॉइंट है, क्योंकि ये सब गाने पे आप ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते, तो यू आर जस्ट कीप इट एट अ रिदम जिसमें एक इमोशनल गाने अच्छे सूट हो, तो या बहुत प्यारा आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला गाना, तो या पीछे करते हैं वापस से आते हैं हल्का सा, ऑल्सो ये वो मोमेंट है शायद ये पीएमसीओ का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएमसीओ में जब दोनों दोनों टीम्स आके गले लगाती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
सारे अपने यार नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार बंद करनी हेट और फैलाना बस प्यार। ये बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, सारे ही टैलेंटेड और सारे सुपरस्टार, कोई भी टीम लेकर आने वाली ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार। अंडरडॉग्स टीम्स ने संभाली है कमान। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लेते ना यार, मजा आ जाता क्योंकि आपका जो आवाज है हल्का सा हो गया। टैलेंटेड और सारे सुपरस्टार, कोई भी टीम लेकर आने वाली ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार। Exactly. अंडरडॉग्स टीम्स ने संभाली है कमान। स्किल्स और ग्राइंड से हासिल करी पहचान, फिर भी रह जाते हैं। हाँ, exactly, मैंने सेल्स का देखा था ब्रो, ये वाला लाइक रॉक्स एनॉल्ड क्या डोमिनेशन दिया था ब्रो उस टाइम पे, मैन बहुत सही डोमिनेशन किया था उन लोगों ने। किसी को भी नहीं पता था ब्रो इस लेवल के दिग्गज लोग साथ में खेलेंगे एंड सबको पीछे छोड़ के दे हैव जस्ट टॉप्ड अप द होल फ्रीक्वेंसी मैन। शायद उस टाइम पे ओएस भी था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बाय ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार। अंडरडॉग्स टीम्स ने संभाली है कमान, स्किल्स और ग्राइंड से हासिल करी पहचान, फिर भी रह जाते हैं गुमसुम अनसुने अनजान, तो फिर हमें ही है देना इनके काम का सम्मान। और जितने कहते टॉक्सिक है इंडियन कम्युनिटी, दिखा दो उन्हें आज भी कायम है यहाँ यूनिटी, यहाँ कोई लिमिट नहीं सपोर्टर बनने की, तो फिर क्यों हम बस किसी एक को ही चुने। भाई हेट की जंग बंग को छोड़, दिखा दो उन्हें आज फिर भी रह जाते हैं गुमसुम अनसुने अनजान, तो हमें ही है देना इनके काम का सम्मान। और जितने कहते टॉक्सिक है इंडियन कम्युनिटी, दिखा दो उन्हें आज भी कायम है यहाँ यूनिटी, यहाँ कोई लिमिट नहीं सपोर्टर बनने की, तो फिर क्यों हम बस किसी एक को ही चुने। भाई हेट की जंग बंग को छोड़ मेरे भाई, नफरत की जंजीर को तोड़ देना भाई, साथ मिलकर बस प्यार को आगे लाना हमें, और टॉक्सिक सोच को पीछे छोड़ मेरे मैन ब्रो। आज भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे खोल के देखोगे ना, जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था अराउंड 5 to 6 months ago मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, एंड तब से लेके मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम के बायो पे कभी चेंज नहीं किया। आप अभी भी वीडियो को छोड़ के मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मेरे बायो पे आपको एक चीज हमेशा दिखेगा, मेंटर्ड बाय इट बिट थग। आई हैव नेवर इवन टॉक टू हिम, मेरे पास आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट लाइक This guy, like from nowhere, he just ruling the scene. Like man, यार आज भी आप देखोगे तो वहाँ पे एडबिट थक का आपको नाम दिखेगा। आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम बायो पे, खुला आपके लिए, सब पब्लिक है, अब जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा नाम दिखेगा एडबिट थक। जाकर से तो मैं एडिट वेडिट नहीं करता हूँ यार, चिल मारो, इतने दिनों से है यार वो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इस वीडियो की बात करूँगा। तो या आप जाके आज भी चेक कर सकते हो ब्रो कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब की अराउंड 5 to 6 months अगो, या माई चैनल वेंट वेल, क्योंकि माई ऑनेस्ट ओपिनियन कि मुझे एक्चुअली में ट्रैक कैसा लगा। सो या दैट वॉज द ओनली रीजन माई चैनल गॉट अ बूम, एंड वी आर हेयर अराउंड 5K सब्सक्राइबर्स के आसपास है हम लोग, या फिर 4.5K कुछ है अभी सब्सक्राइबर्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 4.5K तो हो गए थे, अभी 4.6 होगा शायद, तो उसी के आसपास है हमारे सब्सक्राइबर्स। तो या मैन थैंक्स टू एवरी सिंगल वन जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया। I only admire 8-bit thug man. Like आज भी आप जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हो मैन। या मैन दिस गाय यार नेवर फेल्स टू मोटिवेट। लाइक मैंने देखा यार कहां से ही है जस्ट रूलिंग द सीन मैन, ही इज रूलिंग द सीन। जंग बंग को छोड़ मेरे भाई, नफरत की जंजीर को तोड़ मेरे भाई, साथ मिलकर बस प्यार को आगे लाना हमें, और इस टॉक्सिक सोच को पीछे छोड़ मेरे भाई, तब वर्ल्ड का सम्मान अपने इंडिया को भी जब उठाएगा शान से अपना इंडिया ट्रॉफी, चाहे कोई सी भी टीम लेकर आए, और इस टॉक्सिक रिपीट हो रहे ब्रो, बार्स रिपीट हो रहे। जंग बंग को छोड़ मेरे भाई, नफरत की जंजीर को तोड़ मेरे भाई, साथ मिलकर बस प्यार को आगे लाना हमें, और इस टॉक्सिक सोच को पीछे छोड़ मेरे भाई, तब वर्ल्ड का सम्मान अपने इंडिया को भी जब उठाएगा शान से अपना इंडिया ट्रॉफी, चाहे कोई सी भी टीम लेकर आए ये खिताब, बस सबकी जुबान में होगा इंडिया ओपी। बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार। That's a good way to rhyme, but आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि सेकंड वाला जब बार्स वापस से रिफ्रेम हुआ, वो इंडिया वाला बार, वो एक अच्छा प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो हल्का सा पीछे चलते हैं, वापस से आप सुनो, तो उसमें क्या हुआ ना कि राइमिंग अच्छा, राइमिंग करने की कोशिश किया गया इंडिया ओपी को, तो इट डिंट वेंट वेल, शायद यही होता है इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश कमजोर है तो या इट डिंट वेंट वेल।
अब सुनो अपना इंडिया ट्रॉफी, हाँ इस लाइन के बारे में बात हो रही है, आगे लाना हमें और इस टॉक्सिक सोच को पीछे छोड़ मेरे भाई, अब सुनो, भर देगा सम्मान अपने इंडिया को, हाँ? जब उठाएगा शान से अपना इंडिया ट्रॉफी, चाहे कोई सी भी टीम लेकर आए ये खिताब, सबकी जुबान में होगा इंडिया ओपी। वो ट्रॉफी के साथ राइमिंग करने की कोशिश की गई थी, सारे अपने भाई और सारे अपने यार, नफरत की जंजीर को तोड़ना इस बार बंद करनी है, टॉर्च फैलाना बस है प्यार, ये बीजेएमआई कम्युनिटी है एक परिवार, सारे ही टैलेंटेड, ये सेल्फ मेड, पीएमसीओ की सारी की एंट्री आ गई, वाओ, लेकर आने वाली ट्रॉफी पर इंडिया का नाम ऊंचा होगा हर बार। फैक्ट्स लवंस, मैंने पहले बोल दिया ब्रो, नाइस राइटेड एंड परफॉर्म बाय ब्रदर एस्ट्रोडेक्स। यार ये बहुत सही था, कंपेयर टू द सोल वाला जो हमने सुना था उससे बहुत सही लगा मुझे तो। यस टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ओवरऑल ये गाना बहुत सही लगा मुझे, हल्का सा मैसअप था लास्ट वाले पार्ट में मैंने जहाँ पे बोला, बट इतना चलता है यार, नो वन फ्रीकिंग नोटिसेस सच हिट्स, क्योंकि गाना बहुत इमोशनल था। तो देखो एक चीज़ मैं बताया था, कभी भी क्या होता है ना, एक चीज़ लाइक आई वाज जस्ट टेल यू, जो भी नए व्यूअर्स है हमारे चैनल पे उनको मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसे गाने जब भी बनाते हो ना, ऐसे गाने हो गए चाहे आपके पार्टी वाइब्स गाने हो गए, लिरिक्स आप हल्का सा अगर ऊपर नीचे भी कर दोगे ना, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी सॉन्ग जाके सुनो, वहाँ पे कैसे क्रिंज लिरिक्स होते हैं फिर भी लोग नोटिस नहीं करते, सब लोग वाइब में मजे करते। सेम गोज विद द इमोशनल शिट, आप लिरिक्स कैसे भी रखो बट स्टिल बंदे ने बहुत प्यारा खेला है। बट से मुझे लास्ट वाला पार्ट में मैंने जैसे बताया, बाकी पूरे गाने मैंने कहीं भी नहीं रोका, कहीं भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा था, सब कुछ ऑन पॉइंट था, सब तगड़ा था। बट द ओनली थिंग वाज रॉन्ग कि उसने ट्रॉफी को ओपी के साथ राइमिंग करने का कोशिश किया, विच वेंट रॉन्ग, बट स्टिल नो वन इवन गिव्स अ शिट अबाउट इट, क्योंकि इमोशनल सॉन्ग्स पे उतना चल जाता है। यस मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने कितने गाने ऐसे देखे हैं, तो या ये वाला गाना बहुत सही लगा मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो सोल वाले गाने से मुझे ये गाना ज़्यादा अच्छा लगा। दिस हैड बार्स दैट राइमिंग स्कीम्स मेंटेन, दिस हैड अ प्रॉपर सिंक, वॉइस उसने बहुत अच्छा मेंटेन रखा, तो यस मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। यस दैट वाज बीजेएम कम्युनिटी एक परिवार बाय ब्रदर एस्ट्रोडेक्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अभी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।